थी परीक्षित के राज्यकाल में। क्यों? कोई बंदी बनता ही नहीं था, कोई गलत कुछ करता ही नहीं था। जितने भी सिपाही हैं पकड़ने वाले, ये सब अपने घरों में ही पड़े रहते थे, सब मोटे हो गए थे। क्यों? मेहनत करते ही नहीं थे, कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुनाह कोई करता ही नहीं था। ऐसा था परीक्षित का राज्य। कोई हिंसा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं, कहीं चोरी चकारी नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता था परीक्षित के राज्य काल में। और सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे, वाह 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 भैया, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा युग होना चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन बस प्रतीक्षा करनी थी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आक्रमण होने वाला था। और एक दिन आक्रमण हो गया। कैसे? राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए वन में गए और वन में उन्होंने देखा कि एक वृषभ यानी कि बैल, उसके तीन पैर कटे हुए हैं, वो एक पैर पर खड़ा है, और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को काट रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले मेरे राजपाट में हिंसा करने वाले तुम कौन हो? जैसे ही तलवार घुमाने लगे, परीक्षित जी के चरणों में कलयुग आ गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कलयुग हूं, मैं युग हूं। सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, मेरी बारी आई है, मैं आ गया। बोले कब आए तुम? बोले जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए, उसी क्षण मेरा जन्म हो गया था। ठाकुर जी की लीला पूरी हुई और मेरा प्राकट्य हुआ। अब तो बहुत वर्ष हो गए ठाकुर जी को गए, अब धीरे धीरे मैं अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करूंगा। अभी तो प्रारंभिक समय था, अब मेरा प्रभाव शुरू हो रहा है भगवान। और प्रभाव देख लो, ये बैल एक पैर पर खड़ा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। मैंने पवित्रता रूपी इसके पैर को काट दिया, मैंने दान रूपी पैर को काट दिया, मैंने दया रूपी पैर को काट दिया। अब एक पैर बचा है बस इसका, वो है सत्य। जिस दिन ये कट गया, धर्म धराशायी हो जाएगा और मेरा राज्य आ जाएगा। आज आपको क्या लगता है, क्या धर्म बचा हुआ है? है तो सही एक पैर पे ही, पर एक पैर से भी लड़खड़ा रहा है। सत्य कितना बचा है? बोलने में नहीं है सत्य, हां बस इतना बचा है कि जब हमारी सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। आज कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है, सत्संगों में इतनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है, क्यों? सत्य बताना। लाखों लोग टेकरी हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या इतने लोग दर्शन कर रहे हैं तो क्या इतने सारे लोग धर्मावली हैं? इनमें से कोई पाप नहीं करता? सब करते हैं। धर्म कैसा लड़खड़ा रहा है? मंदिर भी जा रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर के थोड़े दिन बाद पाप भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कलयुग बड़ा खतरनाक है भैया। ये आपसे धर्म भी करवाएगा, पुण्य भी करवाएगा, कथा भी सुनवाएगा, तिलक भी लगवाएगा, धोती भी पहनवाएगा, आपसे संत सेवा भी करवाएगा, तीर्थ यात्राएं भी करवाएगा, और इन सब के बीच पाप भी करवाएगा। ये रहने नहीं देगा आपको ऐसे। बस इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम पे समय बहुत कम है, अभी समय है। कलयुग जैसे ही दूसरी करवट लेगा ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी, और वो कभी भी ले सकता है, कल भी ले सकता है, परसों भी ले सकता है। इसलिए कोई समय का पता नहीं है भैया। जितना हो सके भगवत भजन करके जल्दी निपट लो, यहां से निकल लो, यहां ठीक नहीं है अब माहौल। अभी कथा भागवत आदि चल रही है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, मैं घोषणा कर रहा हूं मंच से। कुछ समय बाद ये सब नहीं हो पाएगा, भयावह समय आएगा, और कथा संत महापुरुष वैष्णवों को ही केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, कुछ गलत किया जाएगा। भगवान करे उससे पहले हम तो चले जाएं, हम आप सब लोग निपट लें यहां से, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया, कलयुग।
तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, सत्य के पैर काट रहा था कलयुग, धर्म का अंतिम पैर सत्य। परीक्षित जी महाराज चिंतित हो गए, बोले कि अरे कलयुग तुम आ गए? बोले जी निकलो अभी यहां से, तुम मेरा राज्य छोड़ करके जाओ, कहीं और जाकर के रहो, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। बोले महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो आप, कहां जाऊं मैं, पूरी पृथ्वी के राजा हो और पूरी पृथ्वी पर मेरा आक्रमण है। राजा परीक्षित बोले मैं जीने तो नहीं दूंगा तुमको यहां पर। बोले ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। हां आपकी इस वेदना को मैं थोड़ा सा इसका समाधान ये कर सकता हूं कि आप मुझे स्थान दे दीजिए कि ये तेरे स्थान है, तुझको यहीं रहना है। मैं आपको वचन देता हूं उन स्थानों का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा और आप खुद देखिएगा ये संसार के लोग खुद मेरे पास आएंगे, आप मुझे स्थान दो। परीक्षित जी बोले मैं ऐसे स्थान दूंगा कि कोई जाएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बोले देख के दे लीजिए, जितने बुरे से बुरा स्थान दे सको दे दीजिए, लेकिन मैं भी वचन दे रहा हूं ये कलयुग है महाराज, मेरा युग है, आदमी स्वयं मेरे पास आएगा। और पांच स्थान दिए कलयुग को। आज भी बंधुओं और कलयुग के अंत तक भी कलयुग केवल पांच ही स्थानों पर रहेगा, लेकिन प्रभाव वो सब पर करेगा। और ये पांच स्थान कौन कौन से, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात प्रभु। पांच स्थान। सबसे पहले कलयुग का स्थान क्या है, जुआ। खेल कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन उस खेल में प्रयोग किया गया धन और उसको बाजी लगा करके फिर खेला जाए वो कलयुग है। इसलिए कभी भी धन की बाजी लगा करके कोई खेल मत खेलो। क्यों, आपने शौक शौक में 10 रुपए लगा दिए और फिर आपने खेल खेल लिया, वो 10 रुपए एक ना एक दिन 10 करोड़ का नुकसान करवाएगा आपको। आप कहेंगे जुआ खेलना पाप क्यों है, वो आपके लिए धन है पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी को दाव पर नहीं लगा सकते, लक्ष्मी हमारी मां है, अपनी मां को कौन दाव पर लगाता है, लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। किसी की पत्नी को दाव पर लगाओगे, अपनी मां के दाव पर लगाओगे, रह पाओगे खुश? इसलिए जुए में कलयुग का निवास, द्योतम। दूसरा स्थान है पानम। पहले तो जुआ केवल गांव गांव में वो खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के वो ताश खेल रहे हैं, उसी में पैसा लगा रहे हैं, हार गए इतना, ये सब वो सब होता। आजकल आधुनिक जुआ हो गया है, अब अलग प्रकार का जुआ खेलते हैं लोग। और एक बात कहें, ये 500 की 1000 की शर्त जो लगाते हैं ना, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। अगर ऐसा हुआ तो तू 500 रुपए मुझे देगा, ऐसा हुआ तो 200 रुपए मैं तुझे दूंगा, ये भी जुआ है। ऐसा नहीं, उसमें कलयुग का निवास। द्योतम, उसके बाद आता है पानम। अच्छा एक और बात सुनिए, ऐसा कभी कभी होता है कि हम शर्त लगा लेते हैं, अच्छा लगी 500 की शर्त, बोले हाँ लगी, और फिर वो काम हो गया, लेकिन फिर ना आपने बस इतना के देखा हार गया, निकाल 500, और जैसे वो निकालने लगा आपने कहा अच्छा ठीक है रख ले चल कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ पीछे ही पड़ गए, बोले डेरने पड़ेंगे 500 बेटा तुझे, तू हारा है मुझसे, तो वो निश्चित है कि वो आपका सर्वनाश करेगा। तो द्योतम, दूसरा स्थान है कलयुग का पानम। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, गलत वस्तुओं का सेवन करना, गलत वस्तुओं का खान पान करना, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करना
उनका सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है, इसलिए भैया इनसे बचो। ये सब तामसी वस्तुएं बंधु, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो द्योतम पानम, पानम के बाद आ गया स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, विवाह के पश्चात अन्य के प्रति भाव प्रकट करना हृदय में, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। तो द्योतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान है कलयुग का सूना। सूना कहते हैं हिंसा को, कलेश को। अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, कितने ध्यान से कथा सुन रहे हो, दो लोगों की लड़ाई शुरू हो जाए बाहर, हाथापाई शुरू, आधे से ज्यादा पंडाल बाहर तमाशा देखने जाएगा, सब देखने जाएगा, क्या हुआ, कौन मरा, कौन पिटा, कौन किसके लग गई, क्या हो गया। क्यों? हमारी रुचि हिंसा में होती है। कथा करने के लिए पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, तब जाके इतने लोग आते हैं। पर हिंसा लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, बस दो लोग चौराहे पर लड़ लो, अपने आप भीड़ आ जाएगी देखने, अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक व्यक्ति, एक जगह मेरी कथा चल रही थी, वो बोले, महाराज जी आप थोड़ी सी कथा जो है वो मधुर रस में ज्यादा कथा करते हो। मैं तो कैसे करूं, बोले वीर रस में किया करो, थोड़ी मार झाड़ हो, थोड़ी उसमें यूं उठा पटक हो रही हो, यूं बताया जा रहा हो ठाकुर जी ने उठा के फेंक दिया, महाराज उठा के ये मुष्टिक प्रहार कर दी। मैंने, वाह भाई ये भी कोई बात है। बोले महाराज जी थोड़ी ना तकड़ भगड़ हो तब तो आनंद आवे। हिंसा, इसमें कलयुग का निवास है। किसी व्यक्ति ने, आप जा रहे थे कुछ गलत बोल दिया, तो आप उसको लेट गो नहीं करोगे, ठीक है बोल दी क्या करना है, चलो नहीं इसने बोली किसी घुमाओ बेटा बाइक, हाँ भाई चार लोग लेके आ जल्दी, इसने बोली कैसे मुझसे ऐसी, और लिए पकड़ के महाराज अब उसको, तूने इतनी बोली मैं तुझे इतनी बोलूंगा, इसको कहते हैं कलेश। घर में, परिवार में बहन कुछ बोल दे, भाई कुछ बोल, पत्नी कुछ बोल दे, तो उसको शांत रह करके सॉल्व नहीं करते हम लोग। हमारा क्या, इसने ऐसा बोला, अब ये बच के तो दिखाए मुझसे, मैं बोल के दिखाऊं उसको, मैं करके दिखाऊं उसको, ये हिंसा है। इसमें पाप निवास करता है, इसमें कलयुग निवास करता है। बंधुओं ये कलयुग घरों में ऐसे ही आता है, किसी एक व्यक्ति का मूड खराब करके वो ऐसी कुछ बात बुलवा देगा कि बाकी लोगों का भी दिमाग खराब होता है, फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर करके सब कलेश करके खत्म कर देते हैं। ये कलयुग का खेल है, इसको समझिए। एक व्यक्ति की मति बिगड़ी, वाणी बिगड़ी, बाकी सब शांत हो जाओ, ठीक है कोई अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ठीक है कोई नहीं, इसके पैर पकड़ लो, जो कह रहा करो, ठीक सॉरी, ठीक है, शांत रह करके। अग्नि प्रज्वलित होती है, घर में कहीं आग लग जाए तो पानी डाला जाता है कि उस पर और माचिस की तिल्ली फेंक दोगे, और उस पर मिट्टी का तेल उछाल दोगे कि कपूर लाके फेंक दोगे, अग्नि तेज क्यों कर रहे हो? जैसे घर में आग लगने पर पानी डालते हैं, ऐसे ही घर के, परिवार के, मित्रों के, अपने संबंधियों में किसी एक में आग लगे, पानी डालो, और पानी का मतलब प्रेम, प्रेम बरसा, उसको हृदय से लगा लो, उसके पैर पकड़ लो, थोड़ा उसको समझा लो, मना लो, ज्यादा नहीं माना, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, जल का जो स्वभाव है वो प्रकट करो। आप अग्नि बन जाओगे तो फिर जल के राख हो जाओगे, और तब कलयुग नाचेगा, आ गया मैं, हो गया मेरा आक्रमण। और फिर जाओगे, महाराज, महाराज जी घर में बड़े कलेश होते हैं, क्या करें? बोले हाय टांग लो घर के बाहर, काला ये वो बना के टोटका यूं कर लो, नींबू मिर्च लटका लो घर के बाहर, चप्पल टांग लो एक, उससे ठीक हो। अरे कलयुग इनसे